कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव को लेकर शुक्रवार को दो सभाओं को संबोधित किया। राहुल गांधी ने तमिलनाडु के कृष्णागिरी में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र और सहयोगी संगठनों पर निशाना साधा और कहा कि तमिलनाडु पर नागपुर के लोगों का शासन नहीं होने देंगे। वहीं दूसरी ओर साउथ मिशन में चुनाव प्रचार की कड़ी में सेलम में भी जनसभा हुई। यहाँ राहुल गांधी ने कहा कि इस बार का लोकसभा चुनाव दो नेतृत्वों के बीच है, एक इतिहास संस्कृति के लिए सभी दल साथ करें काम, और वहीं दूसरी ओर भाजपा चाहती है कि तमिलनाडु को नागपुर से चलाया जाए। कृष्णागिरी सेलम में राहुल ने जनसभा को संबोधित किया और कहा कि एक इतिहास संस्कृति के लिए सभी दल साथ काम कर रहे हैं और वहीं बीजेपी चाहती है कि तमिलनाडु को नागपुर से चलाया जाए। और ये भी कहा कि करुणानिधि का अपमान मतलब तमिलनाडु का अपमान है। कांग्रेस और डीएम के साथ मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं, भाजपा को घोषणा पत्र बंद कमरे में बनवाया गया, यह आरोप लगाया कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने। कृष्णागिरी सेलम में राहुल ने जनसभा को संबोधित किया। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।